कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से आज दूसरी बार ईडी की पूछताछ। संसद सत्र से ठीक पहले कांग्रेस सांसदों ने की बैठक। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार पार्थ चटर्जी को अदालत ने 3 अगस्त तक ईडी हिरासत में भेजा। भुवनेश्वर एम्स ने बताया था स्वस्थ। एमपी राजस्थान गुजरात सहित कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। यूपी बिहार में अलर्ट जारी। हरमन के नेतृत्व में बर्किंग पहुंची टीम इंडिया। 19 जुलाई से करेगी अभियान की शुरुआत। नमस्कार, मैं उत्तरश्ला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगी, जैसे कि रोड टैक्स पर 4 राज्यों में करार हुआ, साथ ही जेलों में सुरक्षा और तकनीकी पर काम होगा और ललितपुर में नई जेल बनाने का प्रस्ताव भी पास हुआ। आज उस बड़ी कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले भी लिए गए। कई जो योजनाएं हैं उनको शुरुआत भी किया जाएगा, जैसे कि रोड टैक्स पर 4 राज्यों में जो करार हुआ है, साथ ही जेलों में सुरक्षा की तकनीकी पर काम होगा। जिस तरह से लगातार तमाम तरह की जेलों से अव्यवस्था की खबरें सामने आ रही थी, इसको मद्देनजर रखते हुए अब तकनीकी पर काम होगा। ललितपुर में नई जेल बनाने का भी प्रस्ताव पास हुआ है। एक तरफ जहाँ लगातार जेल कारागार मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार है धर्मवीर प्रजापति, वो एक्टिव नजर आते हैं, वो लगातार जेलों में जाते हुए लोगों की वहाँ की व्यवस्थाओं का और जो कैदी है उनका ध्यान रखते हैं, सबको मद्देनजर रखते हुए अब जेल को लेकर भी अहम फैसला सुनाया गया है, जो तकनीकी है और आधुनिक बनाया जाएगा जेलों को, तकनीकी का खास ध्यान रखा गया है। वही इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी मुहर लगी है। को बता दें कि योगी सरकार 2.0 बनते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार एक्टिव नजर आए। पहले उन्होंने 100 दिनों का एजेंडा दिया, जिसकी प्रेजेंटेशन जिसको लेकर तमाम बैठकें की। उन्होंने 100 दिनों का पहले ही एक खाका तैयार कर लिया था काम का, कि किस तरह से कार्य होना है, किन योजनाओं को पहले बनाना। उन्होंने पहले के कार्यों का भी, पिछले 5 सालों के भी कार्यों का जायजा लिया और इस आगे 100 दिनों का किस तरह से कार्य किया जाएगा उसके लिए भी एक खाका तैयार करवाया था। जिसके बाद अब उन्होंने एक अहम बैठक की थी, जिसमें रोड टैक्स पर भी 4 राज्यों में करार हुआ है, साथ ही जेलों में सुरक्षा और तकनीकी पर काम होगा। तमाम तरह की जो तकनीकी है वो लगातार उत्तर प्रदेश में भी लागू करने की कोशिश की जा रही है, एक एक करके सभी योजनाओं पर पूरी तरह से ध्यान रखते हुए किस तरह से उन्हें और अपडेट करके तकनीकी में उसे बेहतर बनाया जा सकता है, उसका भी पूरी तरह से ध्यान रखा जा रहा है। उसको लेकर लगातार कई तरह की बैठक चली थी। कई बीच में खबर ये भी आई थी कि तमाम तरह की जो भेदभाव है, जो मुटाव है, वो मंत्रियों के बीच में सामने आई थी। जो दिनेश खट्टिक है, जतिन प्रसाद है, इन दोनों को लेकर के तमाम तरह की भर्ती में गड़बड़ी को लेकर के, और अगर बात किया जाए जल निगम की तो उसमें भी कई तरह की गड़बड़ी सामने आई थी। लेकिन सभी को दरकिनार करते हुए जिस तरह से योगी सरकार ने फिर से एक बार मंत्री को एक साथ करके सिर्फ उत्तर प्रदेश के विकास का कार्य किया है, विकास को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। वही आपको बता दें कि अभी वही सीधा अब आपको लेकर के चलते हैं कि जो अभी मंत्रिमंडल की बैठक हुई है उसमें क्या कुछ फैसला हुआ, उसको लेकर प्रेस वार्ता चल रही है, सीधा आपको लेकर के चलते हैं। ये जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग जैसा कि आप हमारे सबके संज्ञान में कि हम लोग पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम बहुत ही धूमधाम से व्यापक तरीके से मनाने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 4.5 करोड़ झंडों का हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत फहराने का लक्ष्य हम लोगों ने तय किया है। उसमें से माननीय मंत्रिपरिषद ने आज
आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा कार्यक्रम के लिए 2 करोड़ झंडा MSME के माध्यम से क्रय किए जाने के लिए धनराशि की व्यवस्था के विशेष पंचायती राज विभाग और नगर विकास विभाग से प्रस्ताव का अनुमोदन करने का काम किया है। पंचायती राज विभाग के तहत आजादी के इस अमृत महोत्सव के अंतर्गत MSME विभाग द्वारा किए जा रहे 2 करोड़ राष्ट्रीय ध्वजों में से 75% अर्थात 1.5 करोड़ राष्ट्रीय ध्वजों का भुगतान पंचायती राज विभाग द्वारा राज्य वित्त आयोग के अनुदान से किए जाने का प्रस्ताव है। प्रति राष्ट्रीय ध्वज की लागत 20 रुपया मानते हुए इस खरीद के लिए 30 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। वित्त विभाग द्वारा जुलाई माह में प्राप्त होने वाली 600 करोड़ कुल राशि का 600 करोड़ रुपए के अनुमानित राशि इसमें से 30 करोड़ रुपए प्रस्तावित कार्य के लिए पंचायती राज निदेशालय स्तर पर रोककर शेष धनराशि 15-15-70 के अनुपात में जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत को अवमुक्त की जाएगी। धनराशि पंचायती राज निदेशालय द्वारा MSME विभाग द्वारा निर्दिष्ट शासकीय संस्था को उपलब्ध कराया जाएगा। इसी प्रकार नगर विकास विभाग के तहत जो प्रस्ताव आज माननीय मंत्री परिषद द्वारा किया गया है हर घर झंडा हर घर तिरंगा कार्यक्रम के लिए, उसमें नगरीय क्षेत्रों में राष्ट्रीय ध्वजों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से आवश्यक धनराशि की व्यवस्था नगर निकाय को राज्य वित्त आयोग से प्राप्त हो रही धनराशि से जनसंख्या के आधार पर समानुपातिक रूप से कटौती करते हुए सुनिश्चित की जाएगी। 10 करोड़ रुपए की यह राशि जो 50,000 झंडे के हिस्से में आएंगे 50 लाख उसके लिए 10 करोड़ रुपए की 20 रुपए की दर से यह धनराशि MSME विभाग को वास्तविक व्यय के आधार पर निदेशक नगरीय विकास द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। इस एक नामित गाइडलाइन संस्था द्वारा जो तैयार करने के लिए दिए गए निर्देशों का पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। इस प्रकार से व्यवस्था की गई है ताकि धूमधाम के साथ उत्तर प्रदेश में 4.5 करोड़ झंडे का जो लक्ष्य हम लोगों ने हर घर झंडा फहराने का तय किया है उसको पहुंचा करके इस जन आंदोलन के रूप में उत्तर प्रदेश में आजादी के महोत्सव को मनाने का हम लोग कार्य पूरा कर सके ये व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। मंडल में जो बैठक को लेकर फैसले हुए हैं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव, मंत्रिमंडल के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है जिसमें तमाम तरह के कार्यों और योजनाओं का ब्यौरा दिया गया है, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर के और किस तरह के हैं फैसले लिए गए इस मंत्रिमंडल के बैठक में? कार्यकाल पहले से सक्रिय और लगातार सरकार एक रोडमैप की तरह काम कर रही है, 100 दिन का, 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, इस तरह के तमाम जो योजनाओं के लिए रोडमैप बनता है से काम भी कर रही है। आज मंत्रिपरिषद की बैठक थी, बैठक के माध्यम से तमाम प्रस्तावों पर चर्चा हुई थी जिसमें खास तौर पर जेलों से लगातार शिकायतें आ रही थी, बंदे के बीच झगड़े की बात है, इसके बाद सुरक्षा की बात है। अभी हाल में एक लेटर वायरल हुआ था उसमें कहा गया था जेल से रंगदारी मांगी थी, तो जेलों में सुरक्षा और क्लीनिक पर लगातार काम करने का विचार किया जा रहा था, उस पर भी अहम प्रस्ताव पास हुए, इसके बारे में धर्मवीर प्रजापति ने बताया भी है। और साथ ही साथ नरपुर में नई जेल का प्रस्ताव भी पास हुआ है और जो ओला और कैब टैक्सी वाले हैं जो कि राज्य सीमा के चलते तमाम उनको दिक्कतें सामना करना पड़े, इसके तहत उत्तर प्रदेश का राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड से करार भी हुआ है रोड टेस्ट को लेकर, तो यहाँ पर जो प्रस्ताव पास हुए हैं जो भी है तो वो उनके निश्चित रूप से उनसे एक सहूलियत मिलेगी। खासतौर से जेलों की जो सुविधा और सुरक्षा तकनीक पर भी बात की गई है, रोड टैक्स में करार भी हुआ है 4 राज्यों के साथ साथ। इसके साथ साथ मैंने बताया कि लखनऊ में नई जेल बनाने का प्रस्ताव भी पास हुआ है और आगामी अमृत महोत्सव के चलते किस तरह के आयोजन किए जाने इस पर भी अहम चर्चा हुई है।
अगर वही बात किया जो आजादी के अमृत महोत्सव को मनाने को लेकर के, तो अहम जोर इस पर दिया जा रहा है। क्या कुछ खास निर्देश मंत्रिमंडल को दिया गया है गौरव, और क्या कुछ योजनाएं इसके लिए पास की गई? क्योंकि अभी एक जो डिजिटल ज्योत है एक, उसकी भी मुहिम चलाई जा रही है। आप जितने ज्यादा मैसेजेस करेंगे वो ज्योति और लाइट अप होती जाएगी, तो इसको लेकर क्या कुछ नया अपडेट है गौरव? देखिए सरकार अमृत महोत्सव मनाने के लिए लगातार सक्रिय है और कई कार्यक्रमों के माध्यम से अमृत महोत्सव मनाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी हाल में आपको जानकारी हुई होगी कि उत्तर प्रदेश में भी की तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, उत्तर प्रदेश में तिरंगा अभियान चलाएगा, हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की जाएगी। इसके अलावा देश भर में मुहिम चलाई जा रही है, प्रधानमंत्री पूरे अपील कर चुके हैं कि 13 से 15 अगस्त हर घर में जो है तिरंगा फहराया जाएगा, तो एक मुहिम ये होगी। इसके अलावा सरकार की योजना है अमृत सरोवर योजना, अमृत सरोवर योजना भी कार्यक्रम कैसी चल रही है उसका भी प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि देश भर में कहा जा रहा है कि 23 से 15 अगस्त 2023 तक अमृत सरोवर बनाने के प्रयास है वो किए जाएंगे, और अमृत सरोवर योजना जो है वो आपकी इसी अमृत महोत्सव के चलते ही लाई गई है, और देश भर के प्रत्येक जिले में 75 तालाब बनाने की योजना है, इस पर भी काम किया जा रहा है। साथ ही साथ अमृत महोत्सव है निश्चित रूप से राजधानी किस तरह इसको जगमगाना है, वो प्रत्येक जिले में किस तरह कार्यक्रम है, इसके लिए अलग जिम्मेदारी दी गई है। और साथ ही साथ जो मंत्रियों की बैठक हुई है, बैठक में अहम प्रस्तावों के साथ साथ यही प्रयास किया गया है कि आगामी अमृत महोत्सव किस तरह सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाए, साथ ही साथ किस तरह मनाया जाए कि ये सभी तरह याद रखा जा सके। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया गौरव। मुख्तार अंसारी के बेटे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब्बास अंसारी की तलाश में कई ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। बता दें कि 12 अक्टूबर 2019 को अब्बास अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था, जालसाजी का मुकदमा इन पर दर्ज करवाया था। एक ही लाइसेंस पर कई असलहे खरीदने का इन पर आरोप लगा था। अशोक कुमार महानगर थाने में तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक थे। लगातार जो विधायक अब्बास अंसारी है, मुख्तार अंसारी के बेटे, इनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इनके कई ठिकानों पर पुलिस ने दबिश दी है। इन पर आरोप है कि इन्होंने लाइसेंस पास करवाया, लाइसेंस पास करवाने के बाद उसको इन्होंने दिल्ली में स्थानांतरण कराया था। स्थानांतरण कराने के बाद उसी लाइसेंस पर इन्होंने कई बंदूकें हैं वो खरीदी थी। अपने आप के निशानेबाज बताते हुए इन्होंने ये बंदूकें खरीदी, जिसके बाद अब इनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इनके कई ठिकानों पर दबिश दिया गया है। वो इन पर ये भी इल्जाम है कि कोर्ट के कई बार समन भेजने के बावजूद भी ये कोर्ट पेश नहीं हुए थे, ये हाजिर नहीं हुए थे, जिसके बाद अब इन पर कार्रवाई की जा रही है। हालांकि अब्बास अंसारी अभी फरार चल रहे हैं। वही इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, विधायक अब्बास अंसारी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, ये जो मामला है, इन्होंने एक लाइसेंस पर कई हथियार लिए थे, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर के? बता दें कि मुख्तार अंसारी के पुत्र और मऊ सदर से विधायक अब्बास अंसारी के जो मुश्किलें हैं वो कहीं ना कहीं अब बढ़ते हुए नजर आ रही हैं। आपको बताएं कि बीते 3 दिनों से उनके कई ठिकानों पे छापेमारी की गई है, साथ ही साथ मऊ, गाजीपुर, लखनऊ, दिल्ली स्थित कई उनके आवास और जो ठिकाने हैं वहाँ के जो दस्तावेज है उसको भी खंगाल ले जा रहे हैं। 12 अक्टूबर 2019 को महानगर थाने में तत्कालीन जो प्रभारी निरीक्षक थे अशोक कुमार सिंह, उनके द्वारा जालसाजी का मुकदमा दर्ज कराया गया था, और साथ ही साथ आरोप ये भी है कि अब्बास अंसारी एक ही लाइसेंस पर कई असलहे खरीदे हैं। वहीं आपको बताएं कि मुख्तार अंसारी के पुत्र अब्बास अंसारी की तरफ से कहा गया कि ये जो असलहे हैं ये मैं एक नेशनल शूटर हूं उसके आधार पर खरीदा गया है, मगर इसकी पूरी जांच चल रही है कि एक लाइसेंस पर कैसे आप इतने बंदूक खरीद लिए। वहीं आपको बताएं कि इस मामले को लेकर जो MP MLA कोर्ट है उसकी तरफ से NBW जारी करते हुए मुख्तार अंसारी के पुत्र अब्बास अंसारी को तलब करने की बात कही गई थी। वहीं आपको बताएं कि मुख्तार अंसारी के पुत्र अब्बास अंसारी जो पेशे से पहले निशानेबाज थे, साथ ही शास्त्र कई उनके ऊपर ऐसे जमीन से लेकर तमाम मुकदमे उन पे दर्ज हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इस मामले में पहले भी उन्हें कोर्ट की तरफ से पेश होने की बात कही गई थी, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए थे कोर्ट के सामने, इसको लेकर क्या कुछ पूरा मामला है? जी, आपको बताया कि कोर्ट की तरफ से NBW जारी करते हुए उन्हें कोर्ट में प्रस्तुत होने की बात कही गई थी, मगर
मुख्तार अंसारी के पुत्र अब्बास अंसारी इसमें प्रस्तुत नहीं हुए, कहीं ना कहीं उन्होंने कोर्ट की अवहेलना की, जिसको लेकर जल्द ही पुलिस गश्त करके और उन्हें अपने गिरफ्त में भी ले सकती है, पूछताछ कर सकती है, आगे की विधिवत कार्रवाई कर सकती है। मगर मिली जानकारी के अनुसार मुख्तार अंसारी के ठिकानों पर तलाश की जा रही है और मुख्तार अंसारी से भी संपर्क साध रही है कि वो प्रस्तुत हो और पूरे मामले की कार्रवाई हो। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया विभांशु। आज कारगिल विजय दिवस है। देश भर में इस मौके पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। राजधानी लखनऊ में स्मृति पार्क में भी सीएम योगी ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि देश कारगिल दिवस मना रहा है। देश के लिए शहीद होना बहुत बड़ा बलिदान है। उन परिवारों को भी नमन जिन्होंने अपने सपूतों का बलिदान दिया। कारगिल विजय भारत माता के जिन महान सपूतों के सर्वोच्च बलिदान के कारण प्राप्त हुआ था, उनके परिवार के सभी सम्मानित सदस्यगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आज पूरा देश कारगिल विजय दिवस का आयोजन कर रहा है और इस अवसर पर भारत माता के उन सभी महान सपूतों के प्रति नमन करते हुए उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, जिन्होंने देश की आज़ादी को अक्षुण्य रखने के लिए, भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। कारगिल युद्ध भी स्वतंत्र भारत का एक ऐसा युद्ध है जो भारत पर पाकिस्तान ने जबरन थोपा था। मई 1999 में ये कारगिल युद्ध प्रारंभ होता है और 26 जुलाई 1999 को, यानी आज ही के दिन 1999 को कारगिल युद्ध में भारत की विजय की घोषणा भी हुई थी। अलीगढ़ के भारतदारी में पुराने नगर पालिका परिसर में बनी 90 दुकानों को खाली करने और तोड़ने का नगर निगम द्वारा नोटिस जारी किया गया है, जिसके विरोध में दुकानदारों ने अखिल भारतीय संघर्ष समिति के तत्वाधान में कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर दुकानें नहीं तोड़े जाने की मांग की है। वह कमिश्नर नगर निगम के अधिकारियों से बातचीत कर समस्या को के हल निकालने की बात कही है। हमने मांग यही की है, जो हमारे जो 90 दुकानदार हैं उनकी जो रोजी रोटी का सवाल है, इनको क्या हटाने की उनने अखबार में जो दिया है उसके हिसाब से सब लोग बहुत दुखी हो गए, बहुत परेशान हो गए, सब उनके बच्चे दुखी हो गए, रो रहे हैं, अपने घरों में बिपला रहे हैं। इससे हमने उनसे कहा था कमिश्नर साहब से कि आप हमारे बच्चों का ख्याल रखिए, आप हमारे माई बाप हैं, आप हमारी फरियाद सुनें, आप हमारी पुकार करें, आप हमारी मदद करें, जिससे कि हमारे बच्चे कोई आगे चल के कोई गलत उसमें इस्तेमाल में नहीं पड़े। जब उसको कोई बच्चों को सुविधा नहीं मिलेगी तो बच्चे गलत बनेंगे, गुंडा बनेगा, कुछ बनेगा। वो ज्ञापन क्या, सबसे पहला हमने ज्ञापन इसी बात का दिया है कि हम जो देवी 90 दुकानदार हैं उनके युवा रोजी रोटी का सवाल है कि वो किसी की दुकान से आयत ना हो, और हम ये आश्वासन के लिए गए थे कि कमिश्नर जी हमारी बात को सुने, समझें और हमसे ये कहें कि भाई हम आपके जो साथ हैं। तो हमने उनसे ये कहा था कि भाई जो भी आप अंडर मार्केट बना रहे हैं उसमें साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, तब तक आप लोग हम लोगों को बेरोजगार ना करें, हमारी दुकान यथास्थिति में रहने दें, जैसे ही अगर वहाँ का आपका कॉम्प्लेक्स बन जाता है आप हमको शिफ्ट कर दें। देखिए बारादरी जो जो एक प्रोजेक्ट है वहाँ पर मल्टी लेवल कमर्शियल कम पार्किंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो स्मार्ट सिटी के तहत इसको फंड किया जा रहा है और नगर निगम की वो प्रॉपर्टी है। तो ये प्रोजेक्ट कई वर्षों से लंबित था और इसको धरातल पर अब उतारा गया और यह निर्माण वहाँ तेज़ी से चल रहा है। उसकी पेरिफेरी में कुछ दुकानें हैं, लगभग 90 से 100 दुकानें हैं जो कि नगर निगम द्वारा किराए पर दी गई थी उन लोगों को, और इस पूरे प्रोजेक्ट को अपने सही स्वरूप में लाने के लिए आवश्यक है कि वो दुकानें वहाँ से हटाई जाएं। उसी के तहत नगर निगम ने इनको नोटिस दिया है। गाजियाबाद के अशोकनगर की मेजर डॉक्टर प्राची गर्ग नाम के साथ ही गर्व का एहसास करा देती हैं, जिन्होंने कारगिल युद्ध के दौरान सैकड़ों की संख्या में घायल सैनिकों का इलाज किया था। प्राची को कारगिल युद्ध के दौरान सेवा देने वाली एकमात्र महिला मेडिकल अफसर होने का गौरव प्राप्त है।
मेजर प्राची गर्ग 8 माउंटेन डिवीजन से लड़ाई के दौरान सक्रिय रहने वाली एकमात्र महिला सैन्य अधिकारी थी। इतना ही नहीं, ऑपरेशन पराक्रम में भी मेजर प्राची ने सक्रिय भूमिका निभाई थी। आपको बता दें कि शॉर्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से जून 1997 में सिलेक्ट होने के साथ ही आर्मी का जीवन शुरू हो गया था। दिसंबर 1997 फील्ड एरिया में पोस्टिंग हो गई। मेरी पोस्टिंग 38 माउंटेन डिवीजन की 308 फील्ड एम्बुलेंस में आई थी। मैंने जब बेसिक कोर्स किया तो बेसिक कोर्स करने के बाद हमने श्रीनगर में इस 8 माउंटेन 308 फील्ड एम्बुलेंस को ज्वाइन किया और 99 में मेरे को टेम्परेरीली अटैच किया गया 8 माउंटेन आर्टिलरी डिवीजन के साथ में, और ये तंगमर्ग में थी उस समय। और ऐसा मई के महीने में हमें एक ऐसे इन्फॉर्मेशन मिली कि हमें आगे मूव करके ब्रिगेड को बल्ले के सदर कोतवाली क्षेत्र में एक महिला को अंधविश्वास के झांसे में लेकर चोरों ने उसके शरीर के सारे जेवर उतार कर झोले में अपने पास रख लिए। शातिर चोरों ने महिला को 10 कदम गिनते करते हुए चलने को कहा, फिर 40 और अंत में 50 कदम। चोरों ने महिला से कहा कि अंतिम कदम के बाद जैसे ही मुट्ठी खोलोगी तुम्हें हनुमान और लक्ष्मी का दर्शन होगा, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ। और महिला जब अंतिम कदम चलने के बाद पीछे मुड़कर देखी तो चोर उसका सारा सामान लेकर रफू चक्कर हो गए थे। पीड़ित महिला ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी और पुलिस सीसीटीवी कैमरे के आधार पर मामले की जाँच में जुटी है। लड़का मिला और एक उसके साथ और था, वो बोला कि रुकिए बहन जी, रुकिए एक मिनट, आप में हम कहीं से आए हरिद्वार से कि कहाँ से आए हैं, आप मेरा एक बात सुन लीजिए। हम सुनने लगे तो बोला आपके साथ ऐसा ट्रस्टी हुआ है, सावन के महीने में अगले सावन में आपकी इकलौती बेटी थी वो ख़त्म हो गई है। हम बोले कि हाँ ख़त्म हो गई है, तो बोले कि ऐसा ऐसा बात है, आपके ऊपर बहुत बड़ा ग्रह है, आपके पति बच्चों पर जो बच्चा आया है उस पर भी बहुत बड़ा ग्रह है, पति पर भी ग्रह है, आप ऐसा है कि हम आपको आपको बता दे रहे हैं नियम, आप ये पूजा कर। अब तक की खास खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साथ।